गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटे, ये हमारी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। टुडे आवर टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है बच्चों, कि मनी कितने प्रकार की होती है। देखो बेटे, बेसिकली मनी फोर टाइप्स की होती है। फर्स्ट है बच्चों फियट मनी, सेकेंड है फिड्यूशरी मनी, थर्ड है हमारा फुल बॉडीड मनी, और फोर्थ है बच्चों क्रेडिट मनी। अगर हम बात करते हैं फियट मनी की, फियट मनी कौन सी होती है, विच इज रन बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बेटे, सरकार के आदेश के अनुसार जो मुद्रा चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फियट मनी। अब देखो बेटे, फियट मनी जो होती है, अब देखो जैसे गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया, ठीक है ना, डिमोनेटाइजेशन के अंदर ओल्ड 500 के नोट से उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कि वो बेसिकली लीगल टेंडर नहीं रहे हैं, यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, लोग उन करेंसीज को लेने के लिए मना कर सकते हैं। तो बेटे फियट मनी में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड नोट्स, कॉइन्स एंड नोट्स, जितने भी सिक्के यहाँ पर कौन इशू करता है बच्चों, जो कॉइन्स है बच्चों वो तो इशू करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यू कैन से दैट आवर फाइनेंस मिनिस्टर। टूडे आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन, ओके, निर्मला सीतारमन। अब बात कर रहे हैं हम लोग नोट्स, नोट्स विच आर इशूड बाय द आरबीआई, इसको कौन इशू करता है बच्चों, आरबीआई। तो देखो बेटे, फियट मनी इज दैट मनी विच इज रन बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स इन विच द कंट्री पीपल आर लीगली एक्सेप्टेड टू बाउंड इट, यानी कि वैधानिक रूप से कोई भी बेटे इन जो भी करेंसी सरकार के द्वारा इश्यू की जाती है उसको लेने से मना नहीं कर सकता, बिकॉज यू ऑल नो दैट मनी हैज द क्वालिटी ऑफ ए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, आप किसी से कोई काम करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी करोगे, सामने वाला लेने से मना नहीं करेगा। अगर आप उससे कोई काम कराते हैं, आप उसको बदले में कोई सामान देते हैं, देन ही और शी कैन रिफ्यूज इट, ओके, बिकॉज मनी कैन बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज लीगली एक्सेप्टेड, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है, विच इज एक्सेप्टेड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। फिड्यूशरी मनी इज अ मनी विच इज एक्सेप्टेड ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। अब देखो बेटे, हम किसी से कोई भी डीलिंग करते हैं तो हम क्या हर एक व्यक्ति का चेक एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम चेक केवल और केवल उन्हीं लोगों का एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली, यानी कि चेक किसका एग्जांपल है, फिड्यूशरी मनी का। चेक इज एग्जांपल ऑफ फिड्यूशरी मनी। यहाँ पर पेयर आपको क्या कर रहा है, पेयर को क्या मिल रहा है, पेयर और पेई आपस में म्यूचुअल कंसेंट से पेमेंट देख ले रहा है और दूसरा सामने वाला पेमेंट ले रहा है, लेकिन बेटे जो चेक है बेसिकली इट इज नॉट रन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के आदेश के अनुसार नहीं, बल्कि किसके किसके कारण चल रहा है, ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, दिस इज कॉल्ड फिड्यूशरी मनी। अगेन आवर थर्ड पॉइंट फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी से पहले बच्चों हमें दो बातें जानना जरूरी है, वो बातें कौन सी, एक तो होता है बच्चों कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, ओके, दूसरी होती है बच्चों, एक तो होती है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी स्टूडेंट्स, और एक होता है बच्चों मनी वैल्यू ऑफ मनी, ओके। अब देखो बेटे, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी और मनी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब यहां पर क्या है, देखो बेटे कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि एक करेंसी को बनाने में, एक नोट को बनाने में बेसिकली कितनी लागत आती है, कितना मेटल लगता है, ठीक है बच्चों। सेकेंड वन मनी वैल्यू क्या होती है, विच इज रिटन ऑन द पेपर नोट। मान लो बेटे 100 रुपए का नोट है, उस पर 100 लिखा हुआ है, तो 100 रुपए जो रिटन है, इंस्क्राइब्ड है 100 रुपए, जो 100 रुपए के नोट पर 100 रुपए लिखा हुआ है बच्चों, वो यहाँ पर क्या है, मनी वैल्यू, क्या है, मनी वैल्यू। और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, 100 रुपए को बनाने में कितनी गवर्नमेंट की कॉस्ट आई है। स्टूडेंट्स, आज की आपकी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका रिस्पांस आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, कि एट प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट को 100 रुपए का नोट बनाने में कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, हाउ मच कॉस्ट इज बियर बाय द गवर्नमेंट
टू मेक 100 रुपी नोट। ओके, तो कमोडिटी वैल्यू क्या होता है बच्चों, जो बनाने में गवर्नमेंट की कॉस्ट आती है, और यहाँ पर मनी वैल्यू क्या है, विच इज रिटर्न ऑन इट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज फुल बॉडीड मनी। ये फुल बॉडीड मनी का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, फुल बॉडीड मनी वो होती है बच्चों जहां पर कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी दैट इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ मनी। इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारी कमोडिटी वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर है किसके, मनी वैल्यू ऑफ मनी के। इट मीन्स जो हमारी कमोडिटी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, हमारी मनी वैल्यू के। जैसे देखो बेटे, अंडर द ब्रिटिश राज क्या होता था बच्चों, अंडर द ब्रिटिश राज जब वो बेटे बेसिकली एक रुपए का कॉइन इशू करते थे विच इज मेड ऑफ सिल्वर, जो बेसिकली बच्चों किसका बना होता था, चांदी का। तो इट मीन्स उस एक रुपए के सिल्वर कॉइन को बनाने में कॉस्ट भी कितनी आती थी, एक रुपया, ठीक है। और उसके ऊपर एक रुपाई तो क्या है बच्चों, कमोडिटी वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, एक रुपए ही क्या है, कमोडिटी वैल्यू, और एक रुपए ही क्या होती थी बच्चों, उसकी मनी वैल्यू। यानी कि एक रुपए के सिल्वर कॉइन को बनाने में एक रुपए की ही लागत आती थी, तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों वो है हमारा क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रेडिट मनी वो होता है बच्चों जहां पर कमोडिटी वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम किससे, मनी वैल्यू से। आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं बच्चों, मनी वैल्यू इज ग्रेटर, ग्रेटर मने ज्यादा, मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। अगर मान लो बेटे ऐसा एट प्रेजेंट बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन सी मनी है, क्रेडिट मनी। यहाँ पर बच्चों कमोडिटी वैल्यू तो क्या, यानी कि एक 500 रुपए के नोट को बनाने में कमोडिटी वैल्यू तो क्या लग रही है, लगभग 5 से लेकर 6 रुपए तक की लागत आती है एक 500 रुपए के नोट को बनाने में। ओके, तो कमोडिटी वैल्यू तो क्या है, 5 to 6 रुपीज। बट मनी वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर मनी वैल्यू कितनी हो गई, 500। तो कहने का मतलब क्या है, क्रेडिट मनी वो मनी होती है वेयर कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन मनी वैल्यू, या यू कैन से दैट मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। अगर मान लो बेटे किसी केस के अंदर अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है किससे, मनी वैल्यू से, तो उस केस में क्या होगा, लोग क्या करेंगे, इन सिक्कों को बेटे मेल्ट कर लेंगे। जैसे पीछे बहुत समय पहले आपने सुना भी होगा बच्चों कि जो 25 पैसा था उसके अंदर सुनने में आया कि उसके अंदर क्या है, सिल्वर है, तो बहुत सारे लोगों ने 25 पैसे को मेल्ट कर दिया, गला दिया सिल्वर लेने के लिए। तो इसीलिए तो बच्चों जो हमारी मनी है वो कौन सी है, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज दैट मनी वेयर कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन द मनी वैल्यू। एंड यू हैव ऑल्सो राइट द आंसर, अगेन आई रिपीट, कि 100 रुपीज को बनाने में गवर्नमेंट की कॉस्ट कितनी आती है। देखो बेटे अब हम कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी पैसे का स्टॉक हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय पर लोगों के पास जितना करेंसी है, चाहे वो नोट है चाहे वो कॉइंस है, उन सब का जो टोटल स्टॉक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। ओके, अब देखो बेटे मैंने लिखा ना, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ। देखो बेटे अपना जो सेकंड टॉपिक है इसी वीडियो के अंदर वो है बच्चों सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक, मनी का टोटल स्टॉक है किसके पास, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री, एक देश में जितने भी लोग हैं उनके पास जो स्टॉक है पैसे का, मनी का, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मींस टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल पैसा जो लोग देश के लोगों के पास है एक समय पर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सप्लाई ऑफ मनी। और अदर देन द सप्लायर्स ऑफ मनी, हु सप्लायर्स ऑफ मनी, जो मनी की सप्लाई करते हैं, मनी की सप्लाई बच्चों कौन करते हैं, सप्लायर आर ऑल्सो, सप्लायर को बच्चे हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ मनी, क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ मनी। तो बच्चों मनी की सप्लाई कौन कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है मनी की सप्लाई स्टूडेंट्स, हमारे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और बात करते हैं तो हम
हमारे बेसिकली आरबीआई हो गया, हमारा कमर्शियल बैंक हो गया और हमारी गवर्नमेंट हो गई। ये क्या है बच्चों? सप्लायर्स ऑफ मनी। ओके, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई एक ही तरह का है हमारे पास, M1 दैट इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। देखो बेटे, C का मतलब क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास जो पैसा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं उसको? सी माने करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। करेंसी में बेटे दोनों चीजें आएंगी, आपकी बेसिकली क्या आएंगे? नोट्स भी आएंगे और क्वाइंस। करेंसी तो दोनों ही है, चाहे वो नोट है बच्चों, चाहे वो करेंसी है। सेकेंड वन डीडी। डीडी माने होता है डिमांड डिपॉजिट। देखो बेटे, दो तरह से होते हैं, एक तो होता है हमारा चेकेबल डिपॉजिट। क्या होता है? चेकेबल डिपॉजिट। और एक होता है बच्चों हमारा नॉन चेकेबल डिपॉजिट। ठीक है, चेकेबल डिपॉजिट कौन से होते हैं? आपने चेक भरा, कभी भी आपने पैसे निकाल लिया, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। तो यहां पर डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट। ये सब क्या है बच्चों? चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। डिमांड करोगे आप, रिटर्न भर के दोगे एकदम से, बेसिकली आपने चेक फिल किया और आपको क्या मिल गए? पैसे मिल गए। इनको क्या कहते हैं? चेकेबल डिपॉजिट। और नॉन चेकेबल डिपॉजिट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फिक्स डिपॉजिट। कौन से होते हैं? फिक्स डिपॉजिट। अब देखो ओडी। ओडी मैंने क्या है? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बच्चों डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड। आरबीआई के पास जितने भी हमारे वित्तीय संस्थान हैं, जैसे इसमें नबार्ड। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नबार्ड, या फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नबार्ड का जो डिमांड डिपॉजिट किसके पास जमा है? आरबीआई के पास। डिमांड डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट जमा है किसका? हमारे विदेशी बैंकों का, ठीक है ना भाई। विदेशी बैंक जितने भी हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, उनका पैसा किसके पास है? आरबीआई के पास। थर्ड वन डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं? फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा IMF। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरा क्या है बच्चों? वर्ल्ड बैंक। अब देखो बेटे, ओडी में क्या क्या शामिल नहीं करते हैं? तो शामिल करते हैं ना कि आरबीआई के पास पैसा हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जमा हो, किस फॉर्म में? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में। आरबीआई के पास जमा हो फॉरेन सेंट्रल बैंक का और फॉरेन गवर्नमेंट का। आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट हो किसका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ओडी डज नॉट इंक्लूड। ओडी में क्या क्या शामिल नहीं करेंगे? डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो पैसा जमा है वो अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड वन डिपॉजिट ऑफ कंट्री बैंकिंग सिस्टम, देश के बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है बच्चों वो भी अदर डिपॉजिट में शामिल नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों शामिल नहीं करेंगे? बिकॉज दीज आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं? मनी की सप्लाई करते हैं। दीज आर द सप्लायर ऑफ मनी। तो मैंने कहा था ना मनी सप्लाई में अदर देन सप्लायर ऑफ मनी, मनी सप्लायर्स को छोड़कर। तो बेटे ओडी में इनको इसलिए शामिल नहीं किया गया है, सरकार के पास जो डिपॉजिट है वो, और जो हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम, कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में दोनों आ गए बच्चों, आरबीआई भी आ गया है हमारा विच इज सेंट्रल बैंक, एंड सेकेंड वन ऑल कमर्शियल बैंक। तो इनको हम लोग किसी भी तरह से शामिल नहीं करेंगे। अब हमारा मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, हु सप्लायर मनी, कौन सप्लाई करता है? गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या है बच्चों? हमारा सेंट्रल बैंक है, पूरी तरह से इकोनॉमी को क्या करता है? कंट्रोल करता है आरबीआई बेसिकली। बेटे एक पॉइंट और है जिसको मैं, देखो बेटे हमारा जो कॉन्सेप्ट था सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के अंदर। मैंने कहा ना कि मनी की सप्लाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर करती है, ठीक है बच्चों? ओके, गवर्नमेंट भी मनी की सप्लाई करती है, हमारा आरबीआई, आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1934 में। कब उसका टाइम पीरियड क्या था बच्चों? डेट थी इसकी 1 अप्रैल 1934। ओके, लेकिन इसने वर्किंग कब से शुरू की थी आरबीआई ने? आरबीआई स्टार्ट्स वर्किंग ऑन 1935। आरबीआई का बच्चों जो हमारा एक्ट है ना, आरबीआई एक्ट कौन सा है बच्चों? 1934।
ओके। और तीसरा है बेटे हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ये भी क्या करते हैं बच्चों, मनी की सप्लाई करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलता है कि कैसे मनी की सप्लाई करनी है। तो बेटे यहां पर हमारा जो आरबीआई है बेसिकली 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। 200 करोड़ में क्या होना चाहिए बच्चों, इट मस्ट बी 115 रुपीज करोड़ गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपीज की क्या होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज। क्या होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज। आरबीआई जब भी पैसा इशू करना चाहता है तब उसके पास 200 करोड़ का रिजर्व है बच्चों मिनिमम, उसमें से इट मस्ट बी, इसमें से स्टूडेंट्स 115 करोड़ रुपीस का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ की क्या होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। बच्चों किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, किसी को कोई क्वेरी हो आप उनसे पूछ सकते हैं। आई होप जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे ढंग से वीडियो को देखा है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, फिर भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।